and broken heart can teach you can teach you the best lesson of life ंगरी स्टमक एम टी पॉकेट एंड ब्रोकन हार्ट कैन टीच यू द बेस्ट लेसन ऑफ लाइफ कैन टीच यू द बेस्ट लेसन ऑफ लाइफ यानी भूखा आदमी और खाली पॉकेट यानी पैसे नहीं जिसके पास हो तो भूखा आदमी और खाली पाकेट और टूटा दिल टूटा हुआ दिल तो जिंदगी का सबसे अच्छा पाठ पढ़ा सकता है जिंदगी का सबसे अच्छा पाठ पढ़ा सकता है जिसे भूख लगी हो उसे ही पता चलेगा रोटी का क्या महत्व है जिसके पास पैसे नहीं है वही बता सकता है पैसा कैसे कमाया जाता है और जब कमा लिया जाता है तो क्या महत्व है उसका तो और तीसरा तो खैर है ही ब्रोकन हार्ट जो जैसे भी टूटे किस तरह से टूटा वो तो नहीं पता है बट टूट गया तो बेस्ट लेसन चलिए अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे आजकल हमारा भी वही पॉइंट है टेंशन तो जब दिल टूट हो गया तब भी टेंशन होगा तो टेंशन तो होता ही है तो कल हमने डिस्कस किया था टेंशन क्या होता है परिभाषा क्या है टेंशन की और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो उसको बता सकते हैं आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट जो मॉडल्स हैं आ जाइए प्लीज अच्छा रखिए जो डिफरेंट मॉडल्स हैं जो बताते हैं कि टेंशन क्यों होता है कैसे होता है क्या कारण हो सकते हैं और फिर टेंशन प्रोवाइडर्स जो इंटरनल कुछ होते हैं एक्सटर्नल होते हैं कहाँ कहाँ से टेंशन प्राप्त हो सकता है किन किन परिस्थितियों और परिवेश में टेंसन्स मिलते हैं और फिर लास्ट डिस्कस करेंगे कैसे इनको दूर किया जाए तो कैसे इनको दूर किया जाए तो कल मैंने डिस्कस किया था आपको चार मॉडल तो उसमें पहला था अडाप्टिंग अकॉर्डिंग टू द सिमटम मॉडल ऑफ एडॉप्टिंग अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स यानी लक्षण के अनुसार स्वयं को ढालने का ये मॉडल है तो इस मॉडल के अनुसार क्या होता है कि टेंशन में भी जनरेटेड फ्रॉम टेंशन आर जनरेटेड टेंशन आर जनरेटेड फ्रॉम एक्सटर्नल एज वेल एज वेल एज इंटरनल फैक्टर्स इंटरनल जो हमारे बॉडी में है एक्सटर्नल यानी जो बाह परिवेश में है तो टेंशन आर जनरेटेड टेंशन आर जनरेटेड जनरेटेड फ्रॉम एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फैक्टर्स दिन रीजन इसी में आप लिख लें फिर मैं हिंदी बताता हूं The main reason is model cancer. The main reason are main reason are loss of loss of internal peace. Loss of internal peace. The अन अक्सेप्टेबल अन अक्सेप्टेबल डिमांड अन अक्सेप्टेबल डिमांड टू बॉडी एंड माइंड अनएक्सेप्टेबल डिमांड टू बॉडी एंड माइंड और तीसरा है सडन चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल और चौथा और लास्ट अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल सम एक्सीडेंट और इंसिडेंट तो इस मॉडल के अनुसार इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कारण के कारण से टेंशन हो सकता है हो गया टेंशन आर जनरेटेड फ्रॉम एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फैक्टर्स तनाव आंतरिक और बाह्य दोनो दोनो दोनों कारणों से हो सकता है तनाव आंतरिक और बाह्य दोनों कारणों से हो सकता है इसमें से कुछ निम्न है तनाव आंतरिक और बाह्य दोनों कारणों से हो सकता है इसमें से कुछ निम्न है तो उसमें पहला आप लिख लें लॉस ऑफ इंटरनल पीस यात्रिक मन की अशांति या, या आंतरिक शांति का अभाव मन की शांति मन की शांति का अभाव मन की शांति का अभाव और दूसरा आप लिख लें शरीर या मस्तिष्क के समक्ष प्रस्तुत कठिन चुनौती शरीर या मस्तिष्क के समक्ष प्रस्तुत कठिन चुनौती शरीर या मस्तिष्क के समक्ष प्रस्तुत कठिन चुनौती तीसरा जीवन शैली में अचानक परिवर्तन जीवन शैली में अचानक परिवर्तन और चौथा है एक्सीडेंट और एक्सीडेंट यानी कोई घटना या दुर्घटना हो जाए तो वो भी एक तनाव का कारण होता है तो टेंशन आर हो गया जी हो गया ना लास्ट वाला एक्सीडेंट इंसिडेंट यानी घटना दुर्घटना घटना या दुर्घटना चलिए टू नो प्रॉपर प्रोस्पेक्टिव ऑफ टेंशन टू नो प्रॉपर प्रोस्पेक्टिव ऑफ टेंशन प्रॉपर सी ऑफ टेंशन दी साइकोलॉजी दी साइकोलॉजी ऑफ माइंड एंड रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी एंड रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी इज इसशियल टू अंडरस्टैंड नो प्रॉपर प्रोस्पेक्टिव ऑफ टेंशन द साइकोलॉजी ऑफ माइंड एंड रिस्पॉन्ड ऑफ बॉडी इज इसशियल टू अंडरस्टैंड यानी तनाव को पूर्णतया समने के लिए तनाव को पूर्णतया जाने के लिए मनोविज्ञान तनाव को पूर्तया जाने के लिए मनोविज्ञान तथा तथा शरीर की प्रतिक्रिया का तथा शरीर की प्रतिक्रिया को समझना आवश्यक है तथा शरीर की प्रक्रिया को समझना आवश्यक है दी एक्सटर्नल चेंज करके लिख लें एक्सटर्नल स्टिमुलस एक्सटर्नल स्टिमुलस रिसीव्ड फ्रॉम सेंस ऑर्गन रिसीव्ड फ्रॉम सेंस ऑर्गन एंड इंटरनल एंड इंटरनल

साइड टू डिसाइड द नेचर ऑफ चैलेंज टू डिसाइड द नेचर ऑफ चैलेंज द एक्सटर्नल स्टिमुलस रिसीव फ्रॉम सेंस ऑर्गन एंड इंटरनल एंड इंटरनल रिसीव फ्रॉम रेटिकुलर सिस्टम नहीं माइंड सॉरी माइंड कर दे माइंड एनालाइज बाई माइंड टू डिसाइड द नेचर ऑफ चैलेंज बॉडी की जगह माइंड कर दे वो गलत हो गया है सॉरी वहां वह, माइंड कर दे हम तो ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्राप्त बाह्य संवेदनाएं ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्राप्त बाह्य संवेदनाएं तथा रेटिकुलर तंत्र द्वारा प्राप्त आंतरिक संविधान संवेदनाएं तथा रेटिकुलर रेटिकुलर तंत्र रेटिकुलर ही लिख लें हिंदी में भी उसको रेटिकुलर हाँ तथा रेटिकुलर तंत्र द्वारा प्राप्त आंतरिक संवेदनाएं का आकलन का आकलन मस्तिष्क द्वारा का आकलन मस्तिष्क द्वारा प्रस्तुत मस्तिष्क द्वारा प्रस्तुत चैलेंज यानी प्रस्तुत चुनौती प्रस्तुत चुनौती के निर्धारण के लिए किया जाता है प्रस्तुत चुनौती के निर्धारण के लिए किया जाता है सेकंड चैप्टर में अगर आपको याद हो अटेंशन कितने तरह का होता है आप तो भूल ही गया होगा जनरल एंड सेलेक्टिव अटेंशन तो अटेंशन में मैंने आपको बताया था कि बाह्य संवेदनाओं से सूचनाएं आती हैं और दूसरा जो आप सोचते हैं आपका फीलिंग है इमोशंस हैं थिंकिंग्स हैं इमे इमेजिनेशंस हैं ये भी एक संवेदना आपके अंदर मन के अंदर ही उत्पन्न करता है और ये भी माइंड में जाता है तो इसको हम इंटरनल सेंसेशन कहते हैं और जो बाह्य परिवेश से आप प्राप्त करते हैं ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से उसे एक्सटर्नल कहते दोनों माइंड में जाता है अब माइंड उसको एनालाइज करता है कि ये जो चैलेंज या जो इन्फॉर्मेशन आई है ये केवल इंफॉर्मेशन ही है या हमारे बॉडी के लिए कोई चुनौती है कोई चैलेंज है कोई टेंशन है वो माइंड जब इसको ये करता है और अगर माइंड डिसाइड करता है कि ये सीटी चैलेंज तो उस समय जो नर्व जो नर्वस सिस्टम है अब इसमें आप आगे लिख लें बेस्ड ऑन एनालिसिस बेस्ड ऑन एनालिसिस नहीं उसी में आप कॉन्टिन्यूएशन में कर ले उसी के कंटिन्यूएशन में बेस्ड ऑन एनालिसिस बेस्ड ऑन एनालिसिस दी एड्रेन एड्रेनेलिन एड्रेनेलिन हारमोन्स हारमोन्स विल बी जेनरेटेड will be generated generated to decide to decide fight or flight response of Of mind and body also respond accordingly. अब जब लगता है कि ये कुछ चुनौती है तब ये हार्मोन्स जनरेट होता है जैसे ही एनालाइज होगा विध इन टू, सेकेंड, बिथिन वन टू सेकेंड के अंदर एक प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो हार्मोंस होगा। लेकिन जब अगर यह ज्यादा देरी तक कंटिन्यू रहेगा तो हार्मोंस या भी उसी में बढ़ती जाती है। बट इंस्टेंटली तो यह जनरेट हो ही जाता है और जब लगता है कि यह नॉर्मल सूचना है तो फिर खत्म हो जाता है इसमें द दिली हार्मोन्स विल बी जनरेटेड यानी मस्तिष्क के आकलन के आधार पर मस्तिष्क के आकलन के आधार पर मस्तिष्क के आकलन के आधार पर एड्रीनेलीन एड्रीनेलिन नामक हार्मोन का श्राव होता है एड्री नामक हार्मोन्स का श्राव होता है जो जो चुनौती से संघर्ष करने जो चुनौती से संघर्ष करने या पलायन करने या पलायन करने के निर्णय को सुनिश्चित करता है या पलायन करने के निर्णय को सुनिश्चित करता है और शरीर भी उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है और शरीर भी उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है हो गया चलिए अब कुछ सिम्टम्स इसके क्या हो सकते हैं सिम्टम्स ऑफ फ्लाइट और फाइट लक्षण क्या हो सकते हैं यानी संघर्ष करना है या पलायन करना है संघर्ष या पलायन के लक्षण शरीर में कुछ चेंजेस होते हैं संघर्ष या पलायन के लक्षण कुछ इंटरनल चेंज होते हैं जिसे हम देख नहीं सकते कुछ एक्सटर्नल चेंज होते हैं जिसे हम देख सकते हैं अब जैसे पहला है मोबिलिटी ऑफ मोबिलिटी ऑफ फैटी एसिड ये आप देख नहीं सकते मोबिलिटी ऑफ फैटी एसिड इन बॉडी इंक्रीज तो जगह जगह पे सबके चाहे आप पतले हो दुबले हो सबके बॉडी में जगह जगह वो फैटी एटिड स्टोर होता है तो वो अब गतिशील हो जाता है कि अब जैसे फौजी अपने बैरक में रहते हैं ना जब लड़ाई करना होता है तो बैरक से बाहर निकलते हैं तब ये अपने बैरक से बाहर निकलते हैं तो फैटी एसिड की गतिशीलता शरीर में बढ़ जाती है फैटी एसिड हां इसका हिंदी आप लिख लें फैटी एसिड की गतिशीलता शरीर में बढ़ जाती है फैटी एसिड की गतिशीलता शरीर में बढ़ जाती है क्लॉटिंग रेट क्लॉटिंग रेट ऑफ ब्लड Will increase. ये भी आंतरिक है, यानी खून को जमने या थक्का होने की प्रवृत्ति या गति बढ़ जाती है खून को थक्का यानी क्लॉटिंग यानी थक जगह जगह वो थक्के बन जाते हैं ब्लड के जिसे हम क्लॉटिंग कहते हैं तो खून के थक्का होने की गति या जमने की गति बढ़ जाती है तीसरा हार्ट बीट हार्टबीट इंक्रीज हार्टबीट इंक्रीज हार्ट बीट यह हार्ट बीट, बीट, बीट यानी या हृदय या की गति धड़कन हृदय की धड़कन बढ़, बढ़ जाती है इसको आप महसूस कर सकते हैं हृदय की धड़कन बढ़ जाती है हार्ट बीट इंक्रीजेस और टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर मोर स्वेटिंग विल स्टार्ट यानी जब हार्ट बीट बढ़ती है तो शरीर का तापमान भी बढ़ता है उसको कंट्रोल करने के लिए पसीने निकलना शुरू हो जाता यानी शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए ज्यादा पसीना निकलना शुरू हो जाता है शरीर <coughs> के तापमान को बनाए रखने के लिए शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए ज्यादा पसीना निकलना शुरू हो जाता है रीथिंग रेट विल इंक्रीज रीथिंग रेल इंक्रीज यानी सांस लेने की गति श्वसन प्रक्रिया श्वसन प्रक्रिया में वृद्धि हो जाती है सांस लेने की गति बढ़ जाती है वेन ऑफ हैंड और फीट एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट इन ऑफ हैंड और फीट एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट यानी हाथ या पैर की नसें या तो फैल जाती हैं या सुकड़ जाती हैं या हाथ या पैर की नसें एक एक्सट्रीम अवस्था है कभी-कभी आपको लगेगा आप देखिए जैसे कि ये नसें जो हैं बाहर आ रही हैं तो उम्र के साथ भी होता बट कभी एक्सट्रीम अवस्था में होता है हाथ और पैर की नसें या तो फैल जाती हैं या सिकुड़ जाती हैं तो ये कुछ लक्षण होते हैं फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस के ठीक है तो बॉडी हमारा रिएक्ट करती है उसी के अनुसार एंड अकॉर्डिंग उसी मॉडल में हम चल रहे हैं अडॉप्टिंग वाला मॉडल है तो अकॉर्डिंग टू अब पैरा चेंज करके आप लिख लें अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल देयर आर अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल देर आर रीलेवल ऑफ टेंशन इस मॉडल के अनुसार टेंशन की तीन अवस्थाएं होती हैं इट मॉज इट इस मॉडल के अनुसार वो जो मॉडल हमने आपको बताया था एडाप्टिंग अकॉर्डिंग टू तो द सिम्टम्स तो इस मॉडल के अनुसार तनाव की तीन अवस्थाएं होती हैं इस मॉडल के अनुसार तनाव की तीन अवस्थाएं होती हैं पहली अवस्था है वार्निंग यानी चेतावनी दूसरी अवस्था है रेसिस्टेंस प्रतिरोध और तीसरी अवस्था है स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ स्ट्रेन और एग्जॉस्ट पहली अवस्था है वार्निंग यानी चेतावनी दूसरा है प्रतिरोध तीसरा है स्टेट ऑफ स्ट्रेन स्ट्रेन है एस टी आर एस टी आर ए आई एन स्ट्रेन यानी कुछ विकृत हो जाना या खत्म यानी खत्म हो जाना विकृत हो जाना या खत्म हो जाना या टायर्डनेस जिसे कह सकते हैं ये अंतिम अवस्था टेंशन की होती है चलिए <coughs> हो गया अब आप एक दो लाइन इसमें लिख लें वार्निंग दिस इज द फर्स्ट स्टेट दिस इज द फर्स्ट स्टेज दिस इज द फर्स्ट स्टेज

when tension is recognized and body start responding to it responding to it this is the first stage when tension is recognized and body start recognizing it some uh, the body now अनएबुल अनएबुल टू बैलेंस अनएबुल टू बैलेंस the नॉर्मल एक्टिविटीज बस इतना इसमें बहुत पहली अवस्था है क्योंकि आगे मैंने ऊपर सब लिखा दिया आप लिख ले दिस इज द फर्स्ट स्टेज वेन टेंशन इज एंड बॉडी स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू इट द बॉडी नाउ अनएबल टू बैलेंस द नॉर्मल एक्टिविटीज हिंदी में आप लिख ले तनाव की यह पहली अवस्था है तनाव की यह पहली अवस्था है जिसे शरीर जिसे, हाँ जिसे शरीर और मस्तिष्क पहचानते हैं हाँ आ जाइए जिसे शरीर और मस्तिष्क पहचानते हैं और उसी के अनुसार जिसे शरीर और मस्तिष्क पहचानते हैं और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं शरीर फुल स्टॉप के बाद शरीर सामान्य क्रियाओं को शरीर सामान्य क्रियाओं में शरीर सामान्य क्रियाओं में संतुलन बनाए रखने शरीर सामान्य क्रियाओं में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है की कोशिश करता है इसी इसी में आप आगे लिख लें इट इज इट इज आइडेंटिफाइड बाय इट इज आइडेंटिफाइड बाय एंजाइटी ये पहले लक्षण होते हैं एंजाइटी फियर एंजाइटी फियर डिप्रेशन एंजाइटी फियर डिप्रेशन सैडनेस एंगर एंड इंपल्स एंड इंपल्स तो एंड इंपल्स हो गया हिंदी आप लिख लें इस परिवर्तन को इस परिवर्तन को व्यग्रता एंजाइटी व्यग्रता डर काम करके लिख लें डर निराशा डर निराशा दुख के भाव निराशा दुख के भाव क्रोध 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 व अचानक आवेश व अचानक आने वाले आवेश व वा अचानक आने वाले आवेश से पहचाना जा सकता है अचानक आने वाले आवेश से पहचाना जा सकता है इसका मेन फैक्टर uh, से होता है इस अवस्था में कि हम कोशिश करते हैं कि नॉर्मल हो मींस पर्सन पर्सन बिहेव पर्सन बिहेव दैट ही इज ऑल राइट बट डाउट परसिस्ट, यानी व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है कि वो सामान्य अवस्था में है लेकिन संदेह बना रहता है हर कार्य में हर बात में संदेह बना रहेगा तो ये पहली अवस्था टेंशन की होती है तो व्यक्ति इस प्रकार व्यवहार करता है कि वह सामान्य है व्यक्ति इस प्रकार व्यवहार करता है कि वह सामान्य है लेकिन उसके हर कार्य में संदेह बना रहता है लेकिन उसके हर कार्य में संदेह उत्पन्न होता है यानी यह पहली अवस्था है टेंशन की अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल चलिए हो गया मिटा दे अब दूसरी अवस्था में हम आते हैं दूसरा है रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस दी परसिस्टेंस टेंशन परसिस्टेंट टेंशन यानी अगर लगातार ज्यादा समय तक टेंशन बना रहे तो परसिस्टेंस टेंशन काजेस काजेस सम एक्सटर्नल एंड इंटरनल डैमेज डेमेज दो दो माइंड एंड बॉडी, दो माइंड एंड बॉडी, ट्राई टू अपोज दो माइंड एंड बॉडी, ट्राई टू अपोज एंड रिपेयर इट ये दूसरी अवस्था है वार्निंग की ये मतलब टेंशन की ये दूसरी यदि पहले अच्छे लिख लीजिए द परसिस्टेंस टेंशन काजेज सम एक्सटर्नल डैमेज एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होते हैं एक्सटर्नल यहां एंड इंटरनल भी कर दे सॉरी इंटरनल सॉरी द परसिस्टेंस टेंशन काजेज सम एक्सटर्नल एंड इंटरनल डैमेज दो टी एच ओ यू जी एच है ये टी एच ओ यू जी एच दो एस हट गया यहां से दो माइंड एंड बाडी ट्राई टू अपोज है एंड रिपेयर इट इट अलग है एक साथ मत लिखिए इसके इट को अलग लिखिए रिपेयर इट ट्राई टू अपोज है तो यदि तनाव अधिक समय तक बना रहता है यदि तनाव अधिक समय तक बना रहता है तो वह शरीर में कुछ बाह्य और आंतरिक तो वह शरीर को में नहीं तो वह शरीर को कुछ बाह्य व आंतरिक पहुंचाता है तो वह शरीर को कुछ बाह्य वह आंतरिक हानि पहुंचाता है यद्यपि मस्तिष्क और शरूर यद्यपि मस्तिष्क और शरीर उसका विरोध करते हैं उसका विरोध करते हैं और, और हानि को और हानि को और हानि को मरम्मत करने की कोशिश करते हैं और हान को मरम्मत करने की कोशिश करते हैं यह दूसरी अवस्था मेन बहुत होती है पहली अवस्था तो जनरल है कुछ आपको व्यग्रता होगी आकुलता होगी थोड़ा सा लगेगा पसीना बढ़ रहा है बट दूसरी अवस्था जब कंटिन्यूस आप दो चार आ, महीने में तक जब आप फील करते हैं तब ये अवस्था आती है तो इसके कुछ सिम्टम है सम इसके अप, सिम्टम्स ऑफ दिस तो इसके हम कुछ सिम्टम्स ले लेते हैं सम कुछ इसके लक्षण क्योंकि अगर आप में ऐसे सब में आ सकता है अगर ऐसे लक्षण आते हैं तो आप कोशिश करिए कि कहीं कहीं से टेंशन आपको मिल रहा है और उसे दूर करें तो सम सिम्टम्स इसके होते हैं पहले होते हैं लॉस ऑफ लॉस ऑफ एंथुसियाज लॉस ऑफ इंथुसियाज इन वर्क फैमिली एंड लाइफ स्टाइल यह पहला लक्षण है लॉस ऑफ इंथुसियाज इन वर्क फैमिली एंड लाइफ स्टाइल कार्य कार्य परिवार और जीवन शैली के प्रति कार्य परिवार और जीवन शैली के प्रति उत्साह में कमी जीवन शैली के प्रति उत्साह में कमी अब आपके बुद्धि से संबंधित दूसरा यानी कुछ कॉग्नेटिव जिसे हम कहते हैं कॉग्नेटिव सिम्टम्स हो सकते हैं यानी आपके बुद्धि से संबंधित कुछ सकते हैं तो इसमें जैसा मैंने पहले कहा वो एग्जिस्ट करेगा ऑलवेज डाउट्स कोई भी आप काम करेंगे तो उसमें पहले ही डाउट आ जाएगा ऑलवेज डाउट हमेशा संदेह बना रहता है दुविधा रहती है संदेह हमेशा ऑलवेज डाउट और दूसरा बैड ड्रीम्स बैड ड्रीम्स कम्स अगेन एंड अगेन अगर ऐसा किसी का हो रहा है तो समझ लो टेंशन है <laughs> तो किसी तांत्रिक से मिलो आप जाके <laughs> <laughs> तो बैड ड्रीम्स कम्स अगेन एंड अगेन यानी बुरे सपने बार बार आते हैं बुरे सपने? हाँ प्लीज कुछ कर तो मैंने कहा ना किसी तांत्रिक से यार मैं तो नहीं हूं कि उसका बट कारण क्या हो रहा कोई टेंशन है क्या है कोई पारिवारिक समस्या है और कोई जो आपकी उम्र है उम्र से संबंधित कोई रोग है तो उसको देखो <laughs> कुछ तो सब <सर> होगा कुछ <laughs> 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 नहीं यार अभी चोड़िये, अभी छोड़िए छोड़िए उधर डिरेट करी अभी आप डिरेल मत करिए आज मैं इसको खत्म करने के मूड में हूं हम बाद में जब मिलेगा समय तो हम वो सपना उनका सुनेंगे <laughs> जब आप लोगों को लगेगा कि पांच मिनट का ब्रेक चाहिए तब उनका सपना सुनेंगे नहीं कोई बात नहीं अभी नहीं चलिए तीसरा पॉइंट चलिए बहुत अच्छा रहा आपका कॉम्प्लेक्सिटी सी आई टी वाई कॉम्प्लेक्सिटी एराइजेस एस इन फाइंडिंग सल्यूशन इन फाइंडिंग सल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्सीटी एस सी ओ एम पी एल इंप्लेक्स एक्सडर ऊपर में लिख देता हूं कॉम्प्लेक्सिटी एक्स सी आई वाई एक्स एल ई एक्स टी कॉम्प्लेक्सिटी एराइजेस इन फाइंडिंग सोलूशन ऑफ द प्रॉब्लम यानी समस्याओं के समाधान में जटिलता आ जाती है समस्याओं के समाधान में जटिलता आ जाती है डिफेंसिव बिहेवियर रक्षात्मक व्यवहार डिफेंसिव बिहेवियर डिफेंसिव बिहेवियर डिफेंसिव बिहेवियर और लास्ट है पांचवां पॉइंट आप इसी में लिख लें एक्सेसिव अटेंटिवनेस एक्सेसिव अटेंटिवनेस ये आपके कॉग्निटिव यानी बुद्धि संबंधी अपने ज्ञान से संबंधी बुद्धि से संबंधी आप कर सकते हैं तो एक्सेसिव अटेंटिवनेस यानी अत्यधिक जागरूकता चौकन्ना आप हमेशा रहते हैं यार कुछ गलत ना हो जाए डर लगा रहता है कि कोई गलती तो मैं नहीं कर रहा हूं तो अत्यधिक चौकन्ना आप हर कार्य में हो जाते हैं ये आपके कुछ कॉग्निटिव सिग्नल्स हैं अत्यधिक चौकन्ना हो गया डिफेंसिव दिफे, अच्छा, मतलब वो सुरक्षात्मक व्यवहार सुरक्षात्मक व्यवहार यानी कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना चाहेंगे कुछ एक्स्ट्रा बोलना भी नहीं चाहेंगे संतुलित बहुत बोलने के कम बोलने के मतलब अगर ज्यादा लोग जो बोलते हैं वो भी फिर धीरे धीरे कम बोलना शुरू कर देते हैं सुरक्षात्मक व्यवहार हो जाता है चलिए <laughs> स्पिरिचुअल हाँ, अगला पॉइंट उसी का तीसरा पहला तो था लेस लेम दूसरा हो कागनेटिव और तीसरा आपका है स्पिरिचुअल सिम्टम स्पिरिचुअल सिम्टम में लॉस ऑफ कंसंट्रेशन लॉस ऑफ कंसंट्रेशन तीसरा है लॉस ऑफ कंसंट्रेशन दूसरा लॉस ऑफ इंटरनल पीस रिएक्टिव बिहेवियर यह स्पिरिचुअल सिम्टम्स हैं स्पिरिचुअल सिम्टम्स लॉस ऑफ कंसेंट्रेशन लॉस ऑफ इंटरनल पीस रिएक्टिव बिहेवियर लॉस ऑफ कंसेंट्रेशन एकाग्रता में कमी एकाग्रता में कमी आप किसी भी कार्य में एकाग्र नहीं हो पाते हैं दस मिनट पांच मिनट आप लगेगा उब गया चलो बाहर चल के आता हूँ चाय पी के आता हूं और मन की शांति या मन में अशांति लिख लें मन में अशांति बनी रहती है क्यों अशांति है यह आपको पता नहीं चलता लेकिन मन अंदर से व्यग्र रहता है अशांत रहता है मन में अशांति बनी रहती है और रिएक्टिव बिहेवियर एक आपका प्रतिक्रियावादी प्रतिक्रियावादी व्यवहार हाँ, नहीं वो तो अग्रेसिव हो जाएगा उग्र ये ये होता है घर में जो हाई स्कूल या इंटर में जो बच्चे पढ़ रहे हों उनके अंदर ये ज्यादा होता है स्कूल का टेंशन है कुछ टेंशन है या मार्क्स मिल गया तो जो भी हो गया कुछ भी अगर माँ बाप कहेंगे ये तुम क्या कर रहे हो तो उसका वो उल्टा जवाब दे देगा <laughs> या कुछ और ही रिएक्शन कर देगा नहीं, जो पूछ रहे हैं वो नहीं बोलेगा उसका एक प्रतिक्रिया अलग से हो जाती है तो हमेशा प्रतिक्रियावादी व्यवहार हो जाता है कि कोई कुछ बोलेगा तो उसको आप जवाब दोगे बट जवाब सही नहीं दोगे तो ये होता है रिएक्टिव बिहेवियर चलिए इमोशनल अगला इमोशनल इमोशनल सिम्टम्स इमोशनल सिम्टम्स में वेटनेस इन आई वेटनेस इन आई यानी आप कुछ सोचते हैं और आपकी आंखें नम हो जाती हैं होता है ऐसा तो ये भावनात्मक या आवेशनात्मक लक्षण आंखों का नम हो जाना वेटनेस इन आई एजिलिटी से करते हैं चपलता या चंचलता मन एक चंचल बना रहता है तो चपलता या चंचलता एजलती एंड फीलिंग ऑफ अपराध बोध की भावना, भावनास अपराध बोध कि मैंने किसी को कुछ डांट दिया अपने बच्चे को ही आप डांट देंगे बच्चा तो चला गया स्कूल उसके बाद आपके मन में एक अपराध बोध की भावना आ गई और आप सोचे कि पता चला कि आप खुद रोने लगे बैठ के तो होता है आंखें नम हो जाएंगी ये इमोशनल ये भी टेंशन के कारण होता है फीलिंग ऑफ गिल्टीनेस और एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस व्याकुलता या व्यग्रता एंजाइटी का मतलब व्याकुलता या व्यक्रता और रेस्टलेसनेस यानी शांति नहीं रहेगी चहलकदमी आप करते रहेंगे सोना चाहेंगे तो सो नहीं पाएंगे तो चहलकदमी आप करते रहते हैं, उसे हम कहते हैं रेस्टलेसनेस रेस्टलेसनेस <coughs> 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 हाँ शुरू से अच्छा हाँ आंखों में नमी पहला है आंखों में नमी दूसरा है चंचलता चंचलता अपराध बोध की भावना व्याकुलता व्याकुलता और लास्ट है अशांति लास्ट है अशांति मेंटल अगला पॉइंट इसका मेंटल सिम्टम्स क्या होते हैं मेंटल सिम्टम डिप्रेशन 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 नॉट कैरिंग नॉट कैरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी का पार्ट ये कह है सकते हैं आप हैबिट ऑफ लिविंग द वर्क हैबिट ऑफ लिविंग द वर्क हैबिट ऑफ लिविंग द वर्क अग्रेशन एंड रिग्रेशन

डिप्रेशन का मतलब निराशा जिम्मेदारी को पूरा नहीं करना दूसरा जिम्मेदारी को पूरा नहीं करना जिम्मेदारी को पूरा नहीं करना कार्य छोड़ने की आदत तीसरा कार्य छोड़ने की आदत अग्रेशन यानी उग्र स्वभाव अग्रेशन उग्र स्वभाव और रिग्रेशन यानी स्वयं का नुकसान करना हाँ पछतावा कर देते हैं पछतावा तो है, आप अपना रिग्रेशन का मतलब पछतावा भी होता है बट यहाँ है कि आप उग्रता के बाद अपना ही नुकसान करते हैं मैंने आपको फ्रस्ट्रेशन फियर फेल्योर एंड फ्रस्ट्रेशन मोटिवेशन में बताया था <laughs> याद है वेरी गुड तो आप बताइए फ्रस्ट्रेशन की चार अवस्था मैंने बताया था <laughs> वो नहीं याद है तो फ्रस्ट्रेशन की मैंने चार अवस्था बताया था अपेथी अपैथी अग्रेशन रिग्रेशन और फिक्सेशन तो जब आपका फ्रस्ट्रेशन यानी झुझलाहट बढ़ने लगती है तो उसका पहली अवस्था होती है अपैथी उदासीनता दूसरी अवस्था होती है अग्रेशन तो वो टेंशन के कारण भी झुझलाहट हो सकती है एंजाइटी तीसरी अवस्था होती है कि आप अपना ही नुकसान करते हैं और चौथा आप बिल्कुल अलग थलग हो जाते हैं कमरे में बंद हो जाएंगे जिसे हम फिक्सेशन कहते हैं संसार में मेरे लिए कुछ भी नहीं है कि आप क्यों मैं जी रहा हूं तो वो चौथी अवस्था होती है तो चौथी अवस्था यहाँ नहीं है टेंशन की तो ये तीसरी अवस्था तक है अग्रेशन और रिग्रेशन तक आप मेंटली पहुँचते हैं बट तब तक आपको अपना टेंशन कंट्रोल करना होता तो तो हल आगे आए आएगा ना अभी आप प्रॉब्लम जब समझ जाएंगे तभी तो हल आएगा ना जब आप पहले प्रॉब्लम तो समझिए कि प्रॉब्लम क्यों आती है फिर उसके बाद हम देखेंगे हल क्या है हल के लिए सोचेंगे तो <coughs> इसके बाद इमोशनल या मेंटल हो गया साइकोलॉजिकल बस लास्ट साइकोलॉजिकल Psychological, टू टू इंस्पायर्ड अति उत्साह आप दिखाते हैं होता नहीं है बट देखने में लगता है टू इंस्पायर्ड टू मच टू लेस स्लीप इरिटेशन हर बात पे झुझलाहट जिसको कहते हैं इरिटेशन तो ये कुछ साइकोलॉजिकल है कि अत्यधिक उत्साह प्रदर्शित होता है लेकिन होता नहीं है ये आभासी उत्साह जिसे आप कह सकते हैं तो ये अत्यधिक उत्साह का प्रदर्शन टू इंस्पाय टू मच स्लीप और टू लेस यानी अधिक या कम सोना बहुत अधिक सोएगा या बिल्कुल ही नहीं सोएगा हाँ इसी लोगों को वो होता है इसे इन भी कहते हैं जिनको नींद नहीं आती उसको इन एक्चुअली कहते हैं लेकिन यहाँ दोनों रीजन हो सकते हैं आप ज्यादा भी सो सकते हैं और नहीं भी सो सकते हैं हाँ एक व्यक्ति में दो नहीं हो सकते या तो ज्यादा सोएगा या तो कम सोएगा एक ही में दोनों नहीं होगा कैसे होगा वो ज्यादा सो रहा है तो फिर कम कैसे सोएगा और कम सो रहा है तो ज्यादा कैसे सोएगा तो हाँ तो जुझलाहट इरिटेशन यानी हर बात पर आप हाँ झल्ला जाते हैं हर बात पर आप झल्ला जाते हैं उसका उत्तर नहीं देते हैं गुस्सा हो जाते हैं तो ये इरिटेशन तो ये पॉइंट्स हैं इसके दूसरे अब तीसरी अवस्था आती है आपकी थर्ड थर्ड है टायर्ड टायर्ड आर स्ट्रेन तो इस थियोरी के अनुसार ये तीसरी अवस्था है इसके अनुसार यह तीसरी अवस्था होती है और इसमें क्या है दिस इज दी दिस इज दी लास्ट स्टेज ऑफ टेंशन व्हेन व्हेन इंटरनल व्हेन इंटरनल रिसोर्सेज ऑफ दी बॉडी विन इंटरनल रिसोर्सेज ऑफ द बॉडी आर एग्जॉस्टेड एंड एंड बॉडी और माइंड अनएबुल अनएबल टू अपोज द टेंशन अपोज द टेंशन सम परमानेंट डैमेज में

Some permanent damage may occurs to the body, such as <coughs> हो गया इसकी आप हिंदी लिख ले यह तनाव की अंतिम अवस्था है यह तनाव की अंतिम अवस्था है जिसमें शरीर के आंतरिक संसाधन जिसमें शरीर, जिस शरीर के आंतरिक संसाधन वर्तमान तनाव का वर्तमान तनाव का सफलतापूर्वक सामना करने में असमर्थ होते हैं जिसमें शरीर के आंतरिक संसाधन वर्तमान तनाव का सफलतापूर्वक सामना करने में असमर्थ होते हैं सफलतापूर्वक सामना करने में असमर्थ होते हैं सफलतापूर्वक सामना करने में असमर्थ होते हैं जिसके कारण जिसके कारण शरीर में कुछ अस्थाई विकृति उत्पन्न हो जाती है इसके कारण शरीर में कुछ अस्थाई विकृति या बीमारियां भी लिख सकते हैं अस्थाई विकृति या बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं स्थाई विकृति या बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे उत्पन्न हो जाती हैं, कामा करके जैसे कर दे अब जैसे के बाद आगे आप ये लिख लें जो अभी मैं आगे लिखता हूं अल्सर ऑफ इंटेस्टाइन <laughs> किसी को न हो भाई अल्सर आप इस्टे साइन परसिस्टेंट परसिस्टेंस डिप्रेशन पर पहले आप लिख लें फिर मैं हिंदी बता देता हूं एस आई यहां होगा परसिस्टेंट परसिस्टेंट कफ एंड कोल्ड जो जाड़े के कारण कफ एंड कोल्ड है वो नहीं इसमें आएगा परसिस्टेंट लगातार जिसको बना रहे <coughs> परसिस्टेंट कफ एंड कोल्ड ब्लड रिलेटेड एलिमेंट ब्लड रिलेटेड एलिमेंट डाइजेस्टिव डिसऑर्डर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर डायबिटिक एंड इनसोमिया परमानेंट हो जब बहुत समय तक टेंशन आपको रहेगा बना रहेगा बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको नहीं कर पाता है तब ये सब होता है अल्सर ऑफ इंटेस्टाइन परसिस्टेंट डिप्रेशन परसिस्टेंट पर्सिस्ट, कफ एंड कोल्ड ब्लड रिलेटेड एलिमेंट डाइजेस्टिव डिसऑर्डर डायबिटिक्स एंड इंसोमनिया हाँ डाइजेस्टिव तो पहले ही शुरू होता है बिल्कुल बिल्कुल क्या तो कॉन्स्टिपेशन रहेगा या और भी समस्या रहेगी तो डाइजेशन का डिसऑर्डर तो सबसे पहले शुरू होता है। यहीं से शुरुआत वो तो पहले अवस्था में भी है तो हम थर्ड अवस्था में इसको ले आए वो पहले अवस्था के टेंशन के पहले अवस्था में ही शुरू हो जाता है वो वो पहले अवस्था में ही ऑलमोस्ट सेवेंटी एट्टी परसेंट को तो रहता ही है डाइजेशन का प्रॉब्लम आजकल की लाइफ स्टाइल ही ऐसी है लाइफ स्टाइल क्या करेंगे तो ये आप लिख लें यानी आंत का फोड़ा और फोड़, अल्सर का मतलब फोड़ा होता है आंत में अंदर कोई फोड़ा हो जाए आंत आंत में फोड़ा आंत में फोड़ा और लगातार निराशावादी विचार में फोड़ा लगातार निराशावादी विचार आना लगातार निराशावादी विचार आना और तीसरा है आपका कफ और कोल्ड खांसी और जुकाम हमेशा बना रहे खांसी और जुकाम हमेशा बना रहे पाचन तंत्र की कमजोरियां, पाचन तंत्र की हैं अच्छा ब्लड सॉरी अब ब्लड रिलेटेड यानी खून से संबंधित बीमारी अब खून से संबंधित बीमारी बहुत होती है उसमें वो मैं उसमें गया नहीं जैसे पेंक्रियाज का होता है और लास्ट में कैंसर उन सब तक सब उसमें आ जाता है बट वो एक्सट्रीम केसेस हैं तो, केसे है। तो इसलिए केवल आप यही लिख लें कि खून संबंधी बीमारी और ये डायबिटिक्स डायबिटिक्स को क्या कहते हैं मधुमेह हाँ मधुमेह हाँ, मधुमेह डायबिटिक्स तो आजकल नॉर्मल है सबको होती है इंसोम्निया अनिद्रा हाँ वो भी बात सही है इंसोमनिया अनिद्रा हाँ कम निधि नहीं आती रात रात भर लोग जगते रहते हैं या तो फिर दवा खाना पड़ता है सोने के लिए तो वो भी एक कारण होता है अनिद्रा तो ये पहला मॉडल है चलिए अभी तो दो तीन मॉडल आप जल्दी जल्दी मॉडल खत्म कर लो तब तो हम आते हैं आपके कि क्योर क्या होगा इन्होंने पूछा था ना कि क्योर क्या होगा तो दूसरा मॉडल आपका क्या था पीछे का पन्ना भी नहीं पलटते हैं वैसे ही रख देते हैं ले जाके दूसरा मॉडल क्या था <laughs> देखो किसी को पता नहीं है कल ही मैंने बताया था चार मॉडल दिए कॉग्निटिव इवेल्युएशन मॉडल ऑफ कॉग्निटिव काग्नेटिव इवेल्युएशन बौद्धिक मूल्यांकन का मॉडल ये है बौद्धिक मूल्यांकन का मॉडल ये <coughs> इस मॉडल का है मतलब इसमें दो इवेल्युएशन का पर्पज है करो हम अभी बस आते हैं दिस मॉडल इस मॉडल इंडिकेट इंडिकेट दैट इंडिकेट दैट द इंडिकेट दैट सीवियरिटी सीवियरिटी ऑफ टेंशन टेंशन मे और मे नॉट मे नॉट ऑलवेज क्रिएट डैमेज टू बॉडी डैमेज टू बॉडी दिस मॉडल इंडिकेट दैट द सीवियरिटी ऑफ द टेंशन मे आर मे नॉट ऑलवेज क्रिएट डैमेज टू द बॉडी तो इस मॉडल के अनुसार अच्छा पहले लिख लीजिए दिस मॉडल इंडिकेट दैट द सीवियरिटी ऑफ टेंशन मे आर मे नॉट ऑलवेज क्रिएट डैमेज टू दॉडी इस मॉडल के अनुसार इस मॉडल के अनुसार तनाव की तीव्रता तनाव की तीव्रता हमेशा शरीर में हमेशा शरीर में विकृति उत्पन्न नहीं करती है हमेशा <Pro MBA> मतलब कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है, दोनों है तो हमेशा विकृति उत्पन्न नहीं करती है <wiped gary> विकृति उत्पन्न नहीं करती है इसी में आप आगे लिख ले इट आल्सो इट आल्सो आइडेंटिफाई इट आल्सो आइडेंटिफाई दी आइडेंटिफाई दी अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी एंड फैसिलिटीज ऑफ इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम टू अपोज टेंशन इस मॉडल का जो इवेल्युएशन है दो इवेल्युएशन है तो दूसरा इसका है इट आल्सो आइडेंटिफाई अवेलेबिलिटी एंड फैसिलिटीज ऑफ इम्यून सिस्टम टू अपोज दी टेंशन यानी यह मॉडल यह मॉडल प्रतिरोधक क्षमता की उपलब्धता यह yeah, मॉडल प्रतिरोधक क्षमता की उपलब्धता प्रतिरोधक क्षमता की उपलब्धता और और तनाव को और तनाव का विरोध करने की क्षमता और और तनाव का विरोध करने की उनकी क्षमता और तनाव का विरोध करने की उनकी क्षमता को भी पहचानता है इसमें दो हैं दो ये लेसन करता है पहला इस आइडेंट पहला ये आइडेंटिफाई टाइप एंड नेचर ऑफ टेंशन जनरेटेड इन द माइंड ऑफ और बॉडी ऑफ एनी पर्सन यानी जो भी तनाव है उसकी प्रवृत्ति क्या है कितना सीवियर है उससे डैमेज होगा कि नहीं होगा तो पहला यह मूल्यांकन करता है और दूसरा यह मूल्यांकन करता है कि जो हमारे शरीर का प्रतिरोधक क्षमता है क्या वो उपलब्ध है इंटेक्ट है हेल्दी अवस्था में है और उसके अंदर इतनी आ, संसाधन है सुविधाएं हैं कि वो इस टेंशन का या इस तनाव का विरोध सफलतापूर्वक कर सकता है या नहीं तो ये इसका मॉडल का दो मूल्यांकन है अब इस मॉडल के भी तीन पार्ट हैं <laughs> बट जल्दी हम इसको साठ में खत्म करेंगे इतना लंबा नहीं खींचेंगे इस मॉडल के दिस मॉडल है थ्री स्टेट है इसका एक्साइटेशन दूसरा है नेचुरल और तीसरा है कैलेमिटीज इसकी तीन अवस्थाएं जैसे उसमें तीन अवस्था था कम से ज्यादा की तीव्रता की तरफ तो इसमें भी ऐसे में एक्साइटेशन उत्तेजना नेचुरल स्वाभाविक और तीसरा है कैलेमिटिस यानी आपदा की अवस्था कैलेमेटिस का मतलब आपदा आपदा की अवस्था ज्यादा नहीं इसमें एक, एक दो दो लाइन और जो सिम्टम्स मैंने पिछ, पिछले में लिखाया वो सिम्टम्स सबके लिए काम आएंगे इसलिए फिर से हम सिम्टम्स रिपीट नहीं करेंगे इसलिए मैंने एक जगह तो एक्साइटेशन का क्या कहता है कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ टेंशन ऑप्टिमम लेवल ऑफ टेंशन जनरेट मोटिवेशन जनरेट मोटिवेशन जनरेट मोटिवेशन इनहेंस इनहेंस एनर्जी लेवल Enhance energy level and assist to a complex and assist to accomplish the assigned task. Hence इट इज नोन एज इट इज नोन एज पॉजिटिव टेंशन ये कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव में आता है एक्साइटेशन जो है वो पॉजिटिव टेंशन में आता है या काग्नेटिविएशन पॉजिटिव टेंशन में भी आता है तो इसे पॉजिटिव टेंशन भी कहते हैं बट ऑप्टिमम लेवल इसीलिए जरूरी है एक निश्चित मात्रा तक ही इससे ऊपर हो जाएगा तो भी तो नेगेटिव हो गया एक निश्चित मात्रा तक तनाव हिंदी में आप पहले इंग्लिश लिख लीजिए दी ऑप्टिमम लेवल ऑफ टेंशन जनरेट मोटिवेशन इनहेंस इनर्जी लेवल एंड असिस्ट टू अकॉम्प्लिश दी असाइन टास्क हेंस इट इज नोन एज पॉजिटिव टेंशन तो एक निश्चित मात्रा एक निश्चित मात्रा का तनाव एक निश्चित मात्रा का तनाव प्रेरणा प्रदान करता है प्रेरणा प्रदान करता है एक निश्चित मात्रा का तनाव प्रेरणा प्रदान करता है ऊर्जा के स्तर को बढ़ा देता है प्रेरणा प्रदान करता है ऊर्जा के स्तर को बढ़ा देता है ऊर्जा के स्तर को बढ़ा देता है तथा तथा दिए गए कार्य दिए गए कार्य को पूरा करने में सहायता करता है तथा दिए गए कार्य को पूरा करने में सहायता करता है अतः इसे सकारात्मक तनाव कहते हैं अतः इसे सकारात्मक तनाव कहते हैं, सकारात्मक तनाव कहते हैं तो जो एग्जाम से पहले किसी परीक्षा से पहले किसी कार्य से पहले कोई शादी का फंक्शन घर में तो गतिशीलता बढ़ा देता है आपकी एबिलिटी कैपेबिलिटी आपकी क्षमता बढ़ा देता है एग्जाम होगा तो आप सात आठ घंटे बैठ के पढ़ सकते हैं बट डेली तो आठ घंटे नहीं बैठ के पढ़ सकते तो वो एक जो इसे कहते हैं पॉजिटिव टेंशन बट एक सर्टेन लेवल तक उससे ऊपर हो गया तो फिर तो डैमेज करेगा ही चलिए दूसरा इसमें दूसरा है नेचुरल नेचुरल मींस लेवल विच इक्सीड विच इक्सीड एबव Optimum range will, will pose challenge, will pose <coughs> challenge, and body accordingly <coughs> respond to it. दूसरा लेवल जो उसका था दूसरा लेवल बिल्कुल उसका है और जो सिमिलरिटीज़ हैं, सिम्टम्स हैं, वही आएंगे फिर इसलिए इसमें इतना ही लिख लें लेवल विज एब रेंज विल ऑप्टिमम अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड टू इट एंड बॉडी अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड टू इट जब तनाव एक निश्चित मात्रा से अधिक हो जाता है जब तनाव एक निश्चित मात्रा से अधिक हो जाता है तो तो वह एक चुनौती प्रस्तुत करता है तो वह एक चुनौती प्रस्तुत करता है तो वह एक चुनौती प्रस्तुत करता है जिसका विरोध मस्तिष्क और शरीर करते हैं जिसका विरोध मस्तिष्क और शरीर उसी के अनुरूप करते हैं जिसका विरोध मस्तिष्क और शरीर उसी के अनुरूप करते हैं उसी के अनुरूप करते हैं चलिए तीसरा पॉइंट तीसरा है कैलेमेटिस, ये तो लास्ट अवस्था वही कैलेमेटिस, एक्सट्रीम एक्सट्रीम टेंशन मे काज मे काज सम इंटरनल एंड एक्सटर्नल डैमेज which body immune system which body immune system is unable to unable to repair बस इतना बहुत था आगे का था उसमें ठीक ही था तो एक्सट्रीम टेंशन मे काज सम इंटरनल एंड एक्सटर्नल डैमेज विज बॉडी इम्यून सिस्टम इज अनएबल टू रिपेयर विज बॉडी इम्यून सिस्टम इज अनएबल टू रिपेयर तो कैमलेमिटीज का मतलब बिपदा तो <coughs> जब टेंशन जब टेंशन यानी जब तनाव अत्यधिक हो जाता है जब तनाव अत्यधिक हो जाता है तो वह है, तो वह शरीर में कुछ तो वह शरीर में कुछ आंतरिक या वह शरीर में कुछ आंतरिक या बाह्य विकृतियां उत्पन्न करता है या बीमारियां उत्पन्न करता है शरीर में कुछ बाह्य और आंतरिक विकृतियां उत्पन्न करता है बाह्य मतलब एलर्जी भी हो रहा है वो भी वो भी टेंशन के कारण होती है एलर्जी का भी उससे संबंध होता है बीमारियां उत्पन्न करता है जिसे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जिसे प्रतिरोध की सॉरी जिसे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता दूर नहीं कर पाते जिसे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता दूर नहीं कर पाते हैं, हैं। चलिए तीसरा मॉडल ऑफ मॉडल ऑफ गिविंग एंड टेकिंग तो ये कहता है कि कुछ दो तो कुछ लो गिव एंड टेक का मॉडल है मींस इट इज ए प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग Workload by providing resources. The main, the main <coughs> the main fact of this model is this model is that the tension that the tension the tension are caused due to the scarcity of resources स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेस इफ इट इज फुलफ़िल्ड, लेवल ऑफ टेंशन विल रिड्यूस। में और भी है प्रोसेस उतना डिटेल में नहीं जाएंगे बट शॉर्ट में इतना आप लिख लें प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग वर्क लोड बाय प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज द मेन फैक्ट्स द मेन फैक्ट ऑफ दिस मॉडल इज दैट द टेंशन आर कॉज्ड ड्यू टू द स्कर्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज इफ इट इज फुलफिल देन लेवल ऑफ टेंशन विल रिड्यूस तो इस मॉडल का कार्य इस मॉडल का कार्य संसाधनों को पूर्ति करके इस मॉडल का कार्य संसाधनों की पूर्ति करके तनाव को कम करना है इस मॉडल का कार्य संसाधनों की पूर्ति करके तनाव को कम करना है क्योंकि क्योंकि संसाधनों के अभाव में ही क्योंकि संसाधनों के अभाव में ही प्राय तनाव उत्पन्न होता है संसाधनों के अभाव में ही प्राय तनाव उत्पन्न होता है चलिए बस इतना इसमें ज्यादा है बहुत है और चौथा है लास्ट मॉडल ऑफ मॉडल ऑफ फीलिंग और थिंकिंग हेल्प ये एक तरह से साइकोलॉजिकल मॉडल है ये कहता है कि अगर आपकी सोच है कि मैं स्वस्थ हूं टेंशन तो अपने आप खत्म हो जाते हैं आप सामना कर सकते हैं तो फीलिंग ऑफ हेल्दीनेस इंटरनल 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 फीलिंग थिंकिंग and analyzing analyzing the state of Healthiness pertaining to pertaining to pertaining to mind and body body will, will enable will enable to face the challenges of tension will enable to face the challenges of tension. प्रॉपरलीबल टू फेस द चैलेंजेस ऑफ टेंशन प्रॉपरली आपकी सोच के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप तनाव प्राप्त करते हैं या नहीं प्राप्त करते द इंटरनल फीलिंग थिंकिंग एंड एनालाइजिंग द स्टेट एनालाइजिंग द स्टेट ऑफ हेल्दीनेस सॉरी एनालाइजिंग द स्टेट ऑफ हेल्दीनेस पर्टेनिंग टू माइंड एंड बॉडी विल इनेबल टू फेस द चैलेंजेस ऑफ टेंशन प्रॉपरली हो गया इसको आप हिंदी में लिख लें कि शरीर और मस्तिष्क के संबंध में शरीर के शरीर और मस्तिष्क के संबंध में स्वस्थ स्वस्थ आंतरिक सोच स्वस्थ आंतरिक सोच अनुभूत शरीर और मस्तिष्क के संबंध में स्वस्थ स्वस्थ आंतरिक सोच अनुभूत और आकलन अनुभूत और आकलन और आकलन चुनौतियों का सफलतापूर्वक और आकलन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए व्यक्ति को तैयार करते हैं चुनौतियों को सफलतापूर्वक सामना करने के लिए व्यक्ति को तैयार करते हैं सफलतापूर्वक सामना करने के लिए व्यक्ति को तैयार करते हैं इसमें आपको आपकी सोच और आपका धैर्य यानी काम एंड कूल माइंड काम एंड कूल माइंड विथ इंटरनल विथ इंटरनल इंटेलिजेंट सपोर्टेड बाई सपोर्टेड बाई जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस इज दि इज दि सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, इज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एन हेदर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल टू फेस एनी काइंड ऑफ टू फेस एनी काइंड ऑफ टेंशन आपकी अपनी सोच बहुत कुछ निर्भर करता है इस पर कि हम क्या सोचते हैं कैसे सोचते हैं तो काम एंड कूल माइंड विद इंटरनल इंटेलिजेंट सपोर्टेड बाय जनरल अवेयरनेस इज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल टू फेस एनी काइंड ऑफ चैलेंज टू फेस एनी काइंड ऑफ चैलेंज हिंदी में आप लिख लें सॉरी टू फेस एनी काइंड ऑफ टेंशन इस इस मॉडल के अनुसार इस मॉडल के अनुसार किसी भी किसी भी प्रकार के तनाव का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए इस मॉडल के अनुसार किसी भी तनाव का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए किसी भी तनाव का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए शांत और एकाग्र चित्त मन शांत और एकाग्रचित मन शांत और एकाग्रचित मन तथा आंतरिक बुद्धिमत्ता तथा आंतरिक बुद्धिमत्ता जिन्हें जिन्हें सामान्य जागरूकता से सहयोग मिलता हो जिन्हें सामान्य जागरूकता से सहयोग मिलता हो जिन्हें सामान्य जागरूकता से सहयोग मिलता हो उत, इंस्पिरेशन को क्या कहेंगे आंतरिक उत्साह आंतरिक उत्साह का एक स्रोत है आंतरिक उत्साह का आंतरिक उत्साह का एक स्रोत है आंतरिक उत्साह का एक स्रोत है तो आपका मन अगर शांत है एकाग्रचित होके और ठीक है जो आपकी बुद्धि है बुद्धिमत्ता है उसको आप और प्लस जनरल अवेयरनेस क्या टेंशन है क्यों टेंशन है क्या काम करना है कैसे करना है तो उन सबको देखते हुए अगर आप करें तो फिर दूर हो सकता है हो गए अब हम आते हैं कहां, कहां से टेंशन अभी और है टेंशन प्रोवाइडर्स कहां, कहां कौन कौन टेंशन आपको देता है <laughs> ऐसा तो नहीं दो घंटे बोलते रहते हैं सबसे बड़ा टेंशन प्रोवाइडर मैं हूं आपके लिए <laughs> <laughs> नहीं आ, ऐसा नहीं भाई कुछ लोगों को टेंशन भी हो सकता है कि लिखते रहते हैं बोलते रहते हैं तो <laughs> चलिए टेंशन प्रोवाइडर्स में हम बस ज्यादा नहीं डिटेल्स में थोड़ा क्या पॉइंट हो? पहला होता है बिहेवियरल फैक्टर आपके व्यवहार के कारण जो टेंशन होता है बिहेवियरल फैक्टर तो इसमें पहला है सेल्फ अपने स्वयं के कारण आप कहीं कार्य कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो इसमें लिखना है जैसे आ, आप जहां काम कर रहे हो तो वर्किंग नेचर वहां का क्या है दूसरों से सपोर्ट कैसा मिलता है या आपका अपनी रिस्पांसिबिलिटी क्लियर नहीं है आपका दायित्व तो क्लियर नहीं है प्रोमोशन के प्रोस्पेक्टिव्स नहीं है तो जहां आप काम कर रहे हों या अभी आपको आप ट्रेनिंग में हैं तो ट्रेनिंग से आपको क्या एक्सपेक्टेशन आपका एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हो रहा हो तो ये सब इंडिविजुअल्स होते हैं सेल्फ और दूसरा होता है विथ अदर्स अपने दोस्तों के साथ कलीग्स के साथ आपके कैसे संबंध हैं? आप दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं सीनियर और जूनियर में किसी आप में कैसा संबंध है क्या एक परोक्ष रूप से एक राजनीति चलती रहती है होता है हर ऑफिस में होता है तो हर ऑफिस में एक राजनीति चलती रहती है क्या उससे आप इफेक्टेड होते हैं कोई कॉन्फ्लिक्ट है कोई जनरल टेंशनस है तो कुछ इस तरह का व्यवहार और वो है तो वो भी होता है तीसरा है फैमिली फैमिली एंड फ्रेंड फैमिली एंड फ्रेंड यानी परिवार और मित्र तो फैमिली मेंबर्स में भी कुछ ना कुछ टेंशन रहता है जो कुछ न कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहता है आपके अपने पेरेंट्स से डिफरेंसेस रहते हैं आजकल तो बहुत है कि पीढ़ी का फर्क है तो डिफरेंसेस तो हो ही जाता है <laughs> तो आपके दूसरे मेंबर्स के साथ आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो आपके परिवार या आपके जो रिलेटिव हैं उनसे मिसमैच करती है तो लाइफ स्टाइल आपकी मिसमैच है एक तरह का कॉन्फ्लिक्स बना रहता है ठीक है वो बढ़ता नहीं है लेकिन आंतरिक में लगता है आपको कि हाँ यार कुछ क्लास एक जो कार्डियल इन्वायरमेंट्स होना चाहिए वो नहीं है तो ये सब जो रीजन्स होते हैं ये कारण होते हैं ये सब बिहेवियर फैक्टर्स है दूसरा फैक्टर्स सोशल फैक्टर सोशल फैक्टर में दो चीजें आती हैं वर्क एंड वर्क लोड जहां आप काम करते हैं वहां का इंटरनल सपोर्ट है लैक ऑफ इंटरनल सपोर्ट बहुत ज्यादा जर्नी करना पड़ता है सीनियर और जूनियर आपसे सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं प्रेशर ऑफ द वर्क डेड लाइन ऑफ द कंप्लीस ये सब वर्क होता है अब वर्क लोड में आता है कि आप हमेशा काम में बिजी रहते हैं आपको आराम करने का समय नहीं मिलता है आप हमेशा काम में बिजी रहते हैं लेकिन आपके कार्य से कोई खुश नहीं होता है इवन दो आप भी अपने कार्य से सेटिस्फाइड नहीं है आप हमेशा बिजी हैं, सडन कोई वर्क आ जाता है तो आपको दे दिया जाता है कार्य की प्लानिंग ऐसी होती है कि आप हमेशा बिजी रहते हैं तो वर्क लोड के कारण भी व्यक्ति का ये होता है तीसरा है तीसरा अगला कारण है फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल का मतलब वातावरण संबंधी फिजियोलॉजिकल वातावरण संबंधी कम्युनिकेशन में हमने लिखाया था ना फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स तो वो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स अब यहाँ भी होगा नॉइज कोल्ड कंडीशंस और और क्या हो सकता है वर्क प्लेस पे तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन जितने हार्ट एंड कोल्ड वेदर्स है हार्स नॉइज है फैसिलिटीज uh, है मतलब uh, uh, जो फैसिलिटी होना चाहिए या एम्यूनिटीज जो सुविधाएं जो होनी चाहिए सुविधाओं की कमी तेज आवाज कंटेमिनेटेड एयर एंड वाटर एयर एंड वाटर कंटेमिनेटेड है और लाइट एंड एयर का जो प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है तो जो भी एम्यूनिटीज कह दिया एमनिटीज, दो एमनिटीज आपके पास नहीं है तो जो जितने भी एम्यूनिटीज हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं कि उस एम्युनिटीज के कारण होता है तो ये फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं हम उसके बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत कुछ हमको टेंशन देते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स चाहे आप अकेले हो या कार्य एक ग्रुप में कार्य कर रहे हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो या आप तैयारी कर रहे हो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत कुछ है तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में एक दो पॉइंट आप हैं एनालाइजिंग 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 दैट एनालाइजिंग टू डू वर्क विथ सेटिस्फैक्शन आप हमेशा कोशिश करते हैं कि मैं संतोषजनक काम करूं बट हो नहीं पाता है या आपके जो सीनियर्स हैं या आपके कलीग्स हैं उसको मानते नहीं है एनालाइजिंग टू डू वर्क विथ सेटिस्फैक्शन यानी आप आकलन करते आप संतोषजनक कार्य करने का आकलन करते हैं संतोषजनक कार्य करने का आकलन करते हैं दूसरा आप कह सकते हैं कीप ऑन थिंकिंग कीप ऑन थिंकिंग समथिंग शुड नॉट गो wrong काम तो कर रहा हूं यार कुछ गलत न हो जाए काम करते हुए हमेशा ये सोचते रहते हैं हमेशा सोचते रहते हैं कि कुछ गलत न हो जाए हमेशा सोचते रहते हैं कुछ गलत न हो जाए सरा डू नॉट लिसन और लर्न फ्रॉम योर इमोशन इमोशन ही नहीं आवेश ही नहीं अपने अंतर्मन की आवाज को आप सुनिए लिसन डू नॉट लिसन और लर्न यानी अंतर्मन की आवाज या अपने भावनाओं भावनाओं को भावनाओं से को सुनते और समझते नहीं भावनाओं को सुनते और उससे सीखते नहीं है भावनाओं को सुनते और उससे सीखते नहीं है लैक ऑफ इंटरनल ट्रस्ट लैक ऑफ इंटरनल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस आपका अपने पर विश्वास नहीं आंतरिक विश्वास आंतरिक विश्वास और अपने पर भरोसा आंतरिक विश्वास और भरोसे की कमी आंतरिक विश्वास और भरोसे की कमी आंतरिक विश्वास और भरोसे की कमी, कमी। मिटा दे हो गया आंतरिक विश्वास और भरोसे की कमी ऑलवेज सीख ऑलवेज सीख इमोशनल सपोर्ट भावनाओं के आधार पर दूसरों का सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं यार मेरा काम कर दो यार मैं ये हूं मैं वो हूं थोड़ा मेरी सहायता कर दो तो वो होता है उसमें आपके टेंशन होता है ऑलवेज सीख इमोशनल सपोर्ट ऑलवेज सीख इमोशनल सपोर्ट स्टार्टिंग भावनाओं के आधार पर सहयोग प्राप्त करना भावनाओं के आधार पर सहयोग स्टार्टिंग वर्क विदाउट प्लानिंग स्टार्टिंग वर्क विदाउट प्लानिंग स्टार्टिंग वर्क विदाउट प्लानिंग बिना योजना को कार्य शुरू करना नॉट एबल टू कंप्लीट इन टाइम नॉट एबल टू कंप्लीट इन टाइम यानी समय सीमा में काम पूरा नहीं कर सकते हैं नॉट एबल टू कंप्लीट इन टाइम समय सीमा में कार्य पूरा नहीं होता है समय सीमा में कार्य पूरा नहीं होता है और एक वो जो था पहले भी हमने बताया था फीलिंग ऑफ गिल्टीनेस अपराध बोध की भावना तो ये सब कुछ कारण है साइकोलॉजिकल जिसके कारण हम नहीं कर सकते हैं तो ये साइकोलॉजिकल कारण से हो गया अपराध बोध की भावना अपराध बोध की भावना फीलिंग ऑफ गिल्टीनेस अपराध बोध की भावना कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूं मेरे अंदर यह शक्ति नहीं है मैं पढ़ नहीं सकता हूं मैं लिख नहीं सकता हूं मैं बोल नहीं सकता हूं लोगों से अच्छी तरह बात नहीं कर सकता हूं तो ये सब एक अपराध बोध आप होता है आप सबके सामने नहीं कहते लेकिन अंदर आप एनालाइज करते रहते हैं तो उससे भी एक आपको आंतरिक टेंशन जनरेट होता है चलिए फिजिकल फैसिलिटीज यानी फिजिकल फिजिकल फैक्टर अगला है फिजिकल फैक्टर्स तो फिजिकल फैक्टर्स में तो पहला सबसे ज्यादा क्या है पहला है यूज ऑफ मल्टीमीडिया मीडिया पर लगे रहते हैं फिजिकल फैक्टर में मोर यूज ऑफ मल्टीमीडिया आप कह सकते हैं यूज नहीं मोर यूज ऑफ मल्टीमीडिया, इसमें मोर सब जोड़ दे नहीं तो कोई कहेगा कि हम फोन नहीं देख सकते क्या <laughs> तो मोर यूज ऑफ मल्टीमीडिया, ज्यादा से ज्यादा आप मल्टीमीडिया का उपयोग करते हैं और मोर यूज ऑफ और अवेलेबिलिटी फॉर सीटिंग चलो मैं साठ में ही लिखता जाता हूँ अवेलेबिलिटी फॉर सिटिंग बैठने की जो कमी है अवेलेबिलिटी फॉर सिटिंग सॉरी मोर ट्रेवल जब तक मैं बोलूंगा तब तक लिख ही दूंगा इसलिए मोर ट्रेवल एक्सरसाइज मोर ट्रेवल लेस एक्सरसाइज नो प्रॉपर रेस्ट मोर ट्रेवल लेस एक्सरसाइज नो प्रॉपर टेस्ट लैक ऑफ प्रॉपर वर्किंग इनवायरमेंट ये उसमें भी आएगा बट चलिए उसमें भी आप लिख सकते हैं वर्किंग इन्वायरमेंट इसकी हिंदी बोलने की जरूरत नहीं आप खुद लिख लेंगे यानी मल्टीमीडिया का जाता उपयोग बैठने की व्यवस्था उचित नहीं है ज्यादा से ज्यादा यात्रा करना पड़ता है कम एक्सरसाइज आप करते हैं अभ्यास अपना शरीर के लिए जो एक्सरसाइज होती है जितना आराम मिलना चाहिए उतना शरीर को आराम नहीं मिलता है और एक उचित कार्य परिवेश नहीं है जहां भी आप कार्य करते हैं उचित कार्य परिवेश वहां पर नहीं है इसी में आप लिख लें बैड हैबिट ऑफ बैड हैबिट ऑफ इसलिए मैं इसको लिखा ड्रग्स एंड अल्कोहल असली चीज तो अब आया बैड हैबिट ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल बैड ईटिंग हैबिट ये तो आजकल के बच्चों में 12 बजे ब्रेकफास्ट करेंगे और 6 बजे शाम को लंच और रात के तीन बजे डिनर होता है तो बैड ईटिंग हैबिट तो गलत आदत और बैड हैबिट्स ऑफ ड्रग्स यानी दवाओं का और शराब का अत्यधिक सेवन और बैड हैबिट्स ईटिंग ही बैड हैबिट्स डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन आउटसाइड फास्ट फूड ये भी टेंशन का कारण है आजकल जो ज्यादा से ज्यादा फास्ट फूड खाता है वो भी एक तनाव उत्पन्न करता है क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम आपका खराब रहेगा और कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे तो इससे भी तनाव होता है बैड हैबिट्स होता है ठीक है तो इनएडिक्ड चलो इसी में इनएडिक्ड न्यूट्रिशन हो सकता तो आप नहीं खाते हैं जो खाना चाहिए वो तो नहीं खाते हैं जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं चलिए ये सब बहुत पॉइंट्स हो गए इसमें तो ये है फिजिकल फैसिलिटीज में आते हैं सभी ये पॉइंट्स फिजिकल फैसिलिटीज में ये सब पॉइंट आते हैं आपके अगला पॉइंट है सेल्फ जनरेटेड एंगर आपको गुस्सा क्यों आता है सेल्फ जनरेटेड एंगर अपने से गुस्सा उत्पन्न होना सेल्फ जनरेटेड एंगर्स में एक दो पॉइंट्स में लिख देता हूं और तो आपको पता ही क्यों आता है एम्बिशन एम्बिशन एंड एक्सपेक्टेशन आर नॉट फुलफिल्ड आपकी महत्वाकांक्षा और आपकी आकांक्षा महत्वाकांक्षा और आकांक्षा का पूरी नहीं होना चाहे वो जो भी महत्वाकांक्षा है कि आज मुझे क्लास में बैठना है आज मुझे बोलना आज मुझे पढ़ना है आज मुझे कहीं घूमने जाना है कोई अच्छी नौकरी प्राप्त करना है तो जो भी है महत्वाकांक्षा और आकांक्षा महत्वाकांक्षा तो थोड़ा समय के साथ होती है लेकिन आकांक्षा तो स्टैंड होती है इसीलिए महत्वाकांक्षा और आकांक्षा की पूर्ति नहीं होना महत्वाकांक्षा समय के साथ होता है मतलब एक छह महीने साल भर के बाद आप एक प्राप्त करना चाहते हैं वो नहीं मिला और आकांक्षा स्टेंट होती है कि अभी आपको लगता है कि मुझे अच्छा खाना खाना है तो ये आपकी आकांक्षा हो गई ये महत्वाकांक्षा नहीं हो सकती है महत्वाकांक्षा के लिए तो आपको समय होता है कि मैं ये करना चाहूंगा इतने समय में तो उसके साथ समय डिसाइड होता है महत्वाकांक्षा के लिए ठीक है एक दिन दो दिन चार दिन महत्वाकांक्षा हमेशा गोल के साथ अटैच होती है लेकिन आकांक्षा अच्छा गोल के साथ नहीं होती है इंस्टेंट आती है तो दोनों की जब पूर्ति नहीं होती तो आपको गुस्सा आता है आपने घर में सोच में गए, अच्छा खाना है या में अच्छा खाना नहीं मिला तो वहां गुस्सा आ जाता है भूख लगी है खा तो लिए बट गुस्सा तो रहता ही है और अग्रेसिव अग्रेसिव, अग्रेसिव डिस्कशन अग्रेसिव डिस्कशन विथ पर्सन अग्रेसिव डिस्कशन विथ पर्सन prejudice, जिसको आप पसंद नहीं करते हैं। उससे कभी कभी उग्र व्यवहार में आप बात करेंगे चाहे उसकी गलती क्यों ना हो उसकी गलती ना भी हो तब भी आपका व्यवहार उसके प्रति उग्र हो जाता है तो वही अग्रेसिव डिस्कशन पर्सन हैविंग प्रीजुडिस यानी पूर्वाग्रह के कारण पूर्वाग्रह के कारण व्यक्ति से पूर्वाग्रह के कारण व्यक्ति से, <coughs> से उग्र परिचर्चा पूर्वाग्रह के कारण किसी व्यक्ति से उग्र परिचर्चा पूर्वाग्रह के कारण किसी व्यक्ति के उग्र परिचर्चा ब्लॉकिंग कैरियर ब्लॉकिंग तीसरा कैरियर ब्लॉकिंग करियर ब्लॉकिंग बिहेवियर ऑफ एनी पर्सन करियर ब्लॉकिंग बिहेवियर तो ये तीन है और भी बहुत से कारण होते हैं बट मैंने तो मेन जैसे एक स्टूडेंट्स के लिए या एक जो प्रयत्न कर रहे हैं कहीं पर फ्यूचर्स के लिए उनके लिए है करियर ब्लॉकिंग बिहेवियर ऑफ एनी पर्सन यानी भविष्य के प्रगति में यदि कोई बाधक बने तो उस पर आपको गुस्सा आएगी भविष्य की प्रगति में यदि कोई बाधक बने तो उस पर आपको गुस्सा आई जाती अक्सर मैंने देखा जो बच्चे यहाँ काउंसलिंग के लिए आते हैं अब काउंसलिंग के लिए तो पूरा वेबसाइट है पोर्टल है और निम्मी वाले सब इन्फॉर्मेशन दे देते हैं अब आपसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन अगर पोर्टल पर मिसिज है मिसिंग है तो इंस्टीट्यूट का उसमें कोई दोष नहीं है वो तो सब निम्मी से आता है सब कुछ बन के लेकिन जब आप ट्रेनिंग को या जो भी एक्सपीरियंस आए हैं अप्लीकेंट्स को बताते हैं कि भाई ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग है आपकी या तो आप इसे निम्मी को कह के पूरा कराएं तभी आपका हम एडमिशन दे देंगे या एडमिशन के लिए आपकी आगे की प्रक्रिया करेंगे तो हमारे ऊपर वो गुस्सा हो जाए <laughs> कि ये जान के जो है हमारा एडमिशन नहीं कर रहे हैं और फिर डी जी टी एक एग्जाम्पल मैंने देखा कि ये क्योंकि उनका भी दोस्त नहीं उन्हें लगता है यार मेरा एडमिशन ही नहीं हो पाएगा यानी एक करियर का प्रश्न होता है जहाँ या किसी एग्जाम में आप कल ही मुझे एक लखनऊ से एक बच्चे का फोन आया उसका तब मुझे याद आ गया कहीं उसने फॉर्म भरा था उसमें सी आई टी एस का उसका सर्टिफिकेट नहीं लगा है एस एस सी का या कहाँ कहीं पर था तो फिर बोला सर देखो अगर कोई परिचित हो तो बात करो उससे तो ये होते हैं अब यहां जहाँ कैरियर का प्रश्न होता है तो वहां पर तो गुस्सा आएगा आपको कि मेरा फॉर्म क्यों रुका हो सकता है हमें आ जाता है गुस्सा कि हम क्यों कर रहे हैं तो ये इसे हम कहते हैं सेल्फ और सेल्फ जनरेटेड तो बहुत है घर में छोटा सा छोटा मतलब स्कूल हाँ में पढ़ने वाला बच्चा है वो लेट आया तो पिताजी ने पूछ दिया यार लेट क्यों आए तो वो अपना कारण बताने से पहले ही कहा उसकी साइकिल पंचर हो गई अब बेचारा साइकिल पंचर हो गई तो साइकिल लेके घर आया तो इसलिए लेट पहुंचा तो उसने कहा कि मैंने आपसे कितने बार कहा था कि इस साइकिल का टायर बदलवा दो इसका ट्यूब बदलवा दो आपने बदलवाया। तो वो बच्चा फायर हो जाता है वो, वो लेट क्यों आया वो तो भूल गया वो फायर हो जाता है कि आपने ये नहीं किया आपने ये दिया ऐसा क्यों है शर्ट पैंट के ये कहा था आपने अभी तो मतलब इतनी कमियाँ सब गिना देगा वो कि ये भी कहा था वो भी कहा था आपने दिया मुझे मेरा सूज देख लो अभी तक आप खरीदे नहीं तो वो सब एक साथ आ जाता है <laughs> तो वो रिसोर्सेज की कमी एक है वो रिसोर्सेज में गिविंग एंड टेक वाले में आएगा इसमें नहीं चलिए तो ये आपके रिगार्डिंग एंगर है अब अगला पॉइंट पांचवा या छठवा जो भी है परसेप्सन कितना कौन सा पॉइंट है ये पांचवा छठवां परसेप्शन ऑफ परसेप्शन ऑफ फियर कोई बात नहीं छठवां सातवां जो भी है यार आप लिख लो <laughs> मुझे फिर से काउंट करना पड़ेगा तो परसेप्शन ऑफ फियर डर डर से भी एक तनाव उत्पन्न होता है यानी डर का बोध अब डर का बोध आपको क्या होता है फियर ऑफ फेल्योर पहली चीज है कि फेल ना हो जाऊं फियर ऑफ फेलोर फियर ऑफ बी फियर ऑफ बींग एलोन फियर ऑफ डिसन फियर ऑफ लॉस फियर ऑफ नॉट नोइंग एंड लास्ट बट नास्ट द लिस्ट सत्य जो है आप सभी उससे डरते हैं लेकिन आना तो एक दिन है ही <laughs> लेकिन सभी उससे डरते हैं वही है ना किसे तुकार के पास कोई गया कोई सेठ जी तुकार जी के पास गए बहुत कंजूस सेठ थे तो उन्होंने पूछ दिया तुकार जी से तुकार जी को आप जानते हैं ना महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत थे हाँ संत तुकाराम बिल्कुल संत तुकाराम तो उन्होंने कह दिया यार सात दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी अब वो परेशान कि यार अब सात दिन ही तो ज़िंदगी के बचे हैं तो चलो मैंने जिससे गलत किया सबसे क्षमा मांग लो अपने बच्चों से अपने बीवी से और लोगों से भी और जो उसकी जो मतलब जो जितने भी कनिंग नेचर था उसने छोड़ दिया लोगों को पैसे भी दे दिया ये दे दिया वो दे दिया तो करते करते सात दिन गुजर गए मरा नहीं तो बोला यार इतने बड़े संत हो के झूठ बोल दिए कि मरा नहीं मैं फिर गया तो बोला अरे महाराज आपने कहा था कि आप सात दिन में मर जाओगे बोला भाई दिन का मतलब तो ये हुआ ना कि मंडे से लेके संडे तक मंडे से शुरू करके संडे तक ये सात दिन होते हैं तो किसी भी इसी, इसी सात दिनों में किसी दिन या तो मंडे को मरोगे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे सोम मंगल बुद्ध बृहस्पति से लेके रविवार के किसी दिन मरोगे तुम तो मैंने तो ये नहीं कहा था कि तुम आज ही मरोगे या तो मैं तो दिन बताया आने वाले सात दिन <laughs> तो किसी दिन मरोगे तो फियर ऑफ डेथ तो अलग तरह के होते हैं अभी एग्जाम का होगा तो फियर ऑफ एग्जाम भी आप लिख सकते हैं तो किसी तरह का अफियर फियर ऑफ फेलियर असफलता का डर अकेला रह जाने का डर डिसन यानी अपना तिरस्कार डिस का मतलब होता है तिरस्कार का डर कि मैं कुछ बोलूंगा लोग मेरी हंसी उड़ा देंगे मैं सही नहीं बोल पाऊंगा तो तिरस्कार का डर कोई आपका क्षति हो जाए लॉस डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज ऑफ वो कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है, किसी तरह का डैमेज हो तो वहां भी नॉट नोइंग यानी नॉलेज मेरे पास नहीं है नॉलेज ऑफ फियर ऑफ डेथ यानी डेथ का भी एक रहता है अगला पॉइंट आप लिख ले पर्सनालिटी टेंशन टेंशन असेप्टर टेंशन असेप्टर एंड ब्लॉकिंग पर्सनालिटी अरे यार आज तो यही तो टाइम हो रहा है ब्लॉकिंग पर्सनालिटी हमारा व्यक्तित्व कुछ ऐसा होता है कि या तो हम खुद टेंशन ले लेते हैं या कुछ लोगों का व्यक्तित्व तो ऐसा है कि आने वाले टेंशन को भी रोक देते हैं तो टेंशन ब्लॉकिंग एंड टेंशन असेप्टर पर्सनालिटी यानी तनाव को स्वीकार करने वाला और तनाव को रोकने वाला व्यक्तित्व तनाव को स्वीकार करने वाला और तनाव को रोकने वाला व्यक्तित्व अलग अलग तरह के व्यक्तित्व होते हैं जैसे इसमें एक होता है ए टाइप आर टाइप इस सब में पर्सनालिटी है हेल्पिंग हेल्पिंग पर्सनैलिटी हेल्पलेस एंड करेजियस और भी कुछ पर्सनैलिटी हमने आपको बताया था बट बत ये रिगार्डिंग टेंशन के लिए है ऐसा नहीं कि वो है बट ये रिगार्डिंग टेंशन की पर्सनैलिटी को किया गया ए टाइप पर्सनैलिटी आर टाइप पर्सनैलिटी हेल्पिंग पर्सनैलिटी हेल्पलेस पर्सनैलिटी करेजियस और आर एक विशेष तरह की व्यक्ति को नामकरण किया गया है और इसमें हेल्पिंग uh, यानी दूसरों की सहायता करने वाला व्यक्तित्व हेल्पिंग का मतलब दूसरों का सहायता करने वाला व्यक्तित्व असहाय व्यक्तित्व हेल्पलेस यानी असहाय व्यक्तित्व और करेजियस यानी साहसी व्यक्तित्व करेजियस यानी साहसी व्यक्तित्व यह इसके अंदर है टेंशन एक्सेप्टर एंड ब्लॉक के अंदर है इसमें इतने ये जो होते हैं टेंशन एक्सेप्टर्स है जो हेल्पलेस हैं, यह भी टेंशन एक्सेप्टर है और यह टेंशन ब्लॉकर हैं, जो ये मैं एरो दिखाया हूं यह टेंशन ब्लॉकर पर्सनैलिटी है और यह जो मैंने टिक मारा है यह दोनों टेंशन, असेप्टर है। टेंशन को खुद असेप्ट करते है। ज्यादा से हैं ज़्यादा ज़्यादा से पांच मिनट और लूंगा आपका आज मेरे ख्याल से आप लोगों को नहीं बुला पाऊंगा इसको कम से कम थोड़ा सा खत्म कर लू ए टाइप पर्सनालिटी में जैसे होता है अर्जेंसी ऑफ अर्जेंसी ऑफ टाइम इन्हें हमेशा जल्दी रहती है कि यार मेरे पास समय नहीं है जल्दी काम खत्म करो यानी समय की हमेशा इनको अर्जेंसी रहती है यानी हमेशा समय के प्रति सचेत रहते हैं ये कि जल्दी से खत्म करो काम अर्जेंसी ऑफ टाइम एंड स्पीड ऑफ वर्क स्पीड ऑफ वर्क स्पीड ऑफ स्पीकिंग बहुत तेजी से बोलेंगे मतलब तेज तेज बोलेंगे स्पीड ऑफ स्पीकिंग अपोज चेंज अपोज चेंज किसी तरह का चेंज होगा उसका ये अपोज ही करेंगे कि नहीं ये गलत हो रहा है ऐसे नहीं होना चाहिए अपोज चेंज एंड रिवेल संगठन के अगेंस्ट विरोध करेंगे तो इस तरह से व्यक्तित्व तो जो होते हैं वो टेंशन होते हैं। इन्हें हम कहते हैं ए टाइप पर्सनालिटी, और इसके आप अपोजिट अगर जाएं तो वो आर टाइप हो जाते हैं मतलब हर काम में आराम से करेंगे आप लिख ले यानी काम के प्रति हमेशा सचेत रहते हैं बहुत तीव्र गति से काम करते हैं तीव्र गति से काम करते हैं तेज बोलते हैं। तेज, बोलते हैं। तेज, तेज बोलते हैं तेज तेज बोलते हैं तेज तेज बोलते हैं अपोज चेंज किसी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करते हैं किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करते हैं किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करते हैं और लास्ट है रिबेल अगेंस्ट अदार्थी यानी संगठन के विरोध में या संगठन का विरोध करते हैं संगठन का विरोध करते हैं तो यह पर्सनालिटी है जिसको हम कहते हैं ए टाइप और एसेप्टर है इसका आप अपोजिट जाएंगे तो वो आर टाइप होते हैं वो बड़े इमोशनल होते हैं शांति से बात करेंगे शांति से कार्य करेंगे परिवर्तन अगर हो रहा है तो सबको जैसा हमने लीडर में बताया सबको एक साथ लेके वो परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे तो वो परिवर्तन होता चले एक इसमें और रह गया पांच मिनट मैंने कहा है तो भाई पांच मिनट आपका लूंगा <laughs> तो अभी रुकिए अभी भूख लगी होगी कोई बात नहीं समय है तो लास्ट पर्सनैलिटी लास्ट फैक्टर जो है अग्रेसिव और असर्टिव अग्रेसिव और असर्टिव बिहेवियर फिर भी रह गया कि इसको दूर कैसे करेंगे चलिए कल उसको दूर करेंगे तो लोग टेंशन में रहिए कल उसको दूर करेंगे तो अग्रेसिव एक फैक्टर है अग्रेसिव यानी उग्र या असर्टिव यानी उचित अपने तथ्यों को उचित तरह रखना उसे हम कहते हैं असर्टिव बिहेवियर यानी तथ्य परख तथ्य परख व्यवहार और उग्र व्यवहार तथ्य परख व्यवहार एंड उग्र व्यवहार तो असर्टिव बिहेवियर में परिभाषा क्या है बस दो तीन लाइन में लिखता हूं यहीं ये ये पे खत्म करेंगे असर्टिव बिहेवियर क्या और होता है पुटिंग पुटिंग एनी फैक्ट पुटिंग एनी फैक्ट विथ ओपननेस पुटिंग एनी फैक्ट विथ ओपननेस ये सब में होना चाहिए putting any fact with openness or clarity without, without emotional without emotional feeling fear or excitement ज असर्टिव बिहेवियर इज असर्टिव बिहेवियर इट हैज इट हैज करेज इट हैज करेज टू से फॉर्मली एस आर नो विदाउट विदाउट अपोजिंग विदाउट अपोजिंग और अग्रेसिव बिहेवियर यानी अपने तथ्यों को सही तरह से रखना सो पुटिंग एनी फैक्ट विथ ओपननेस और क्लैरिटी ओपननेस और नहीं ओपननेस एंड सॉरी एंड कर दें इसको ओपननेस एंड ओपननेस एंड क्लैरिटी विदाउट इमोशनल फीलिंग फियर और एक्साइटमेंट इज असर्टिव बिहेवियर इट हैज करेज टू से फॉर्मली एस और नो विदाउट अपोजिंग और अग्रेसिव बिहेवियर चलिए इसकी हिंदी लिख लें दो मिनट और बस खत्म करते हैं तो किसी भी तथ्य को किसी भी तथ्य या सूचना किसी भी तथ्य या सूचना को अस्पष्ट अस्पष्टता अस्पष्टता व खुलेपन के साथ अस्पष्टता व खुलेपन के साथ बिना बिना भावनात्मक बिना भावनात्मक डर बिना भावनात्मक डर अनुभूति बिना भावनात्मक डर अनुभूति या उत्तेजना के या उत्तेजना बिना भावनात्मक डर अनुभूति या उत्तेजना के प्रस्तुत करने प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को उचित व्यवहार या तथ्य परख व्यवहार कहते हैं उचित या तथ्य परख व्यवहार कहते हैं उचित या तथ्य परख व्यवहार कहते हैं ठीक है और इसमें आप लिख लें उस व्यक्ति में इस सॉरी इस प्रकार के व्यक्ति में इस प्रकार के व्यक्ति में इस प्रकार के व्यक्ति में बिना उग्र या बिना उग्र या विरोधी व्यवहार को दर्शाते हुए इस प्रकार के व्यक्ति में बिना उग्र या विरोधी व्यवहार को दर्शाते हुए व्यवहार को दर्शाते हुए दृढ़ता के साथ दृढ़ता के साथ दृढ़ता के साथ हाँ या ना दृढ़ता के साथ हाँ या ना कहने का साहस होता है दृढ़ता के साथ हाँ या ना कहने का साहस होता है चलिए कल हम सोच रहे थे आज खत्म हो जाए लेकिन नहीं खत्म हो पाया इसको बंद कर दीजिए